अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आज आपको मेरी आवाज़ ज़रा मुख्तलिफ लग रही है, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस, ऑल द कॉल्स और बहुत सारे लोगों की दुआओं का, बिकॉज येस्टरडे आई वॉज़न्ट वेल और कल आपने देखा भी कि मेरा शो रिपीट हुआ. और इस दौरान भी जब इंसान बीमार होता है तो बड़ी बड़ी रिफ्लेक्शंस आती हैं. एक तो ऑब्वियसली क्योंकि कोरोना और कोविड इतना रियल है हमारे लिए, तो जहन बदतरीन खदशात की तरफ चला जाता है. बट आई विल टेल यू कि दिट वॉज अ सीजनल फ्लू जो अभी तक अपने असरात छोड़े हुए हैं. और पता नहीं यार ये कौन लोग हैं, मेरे ऑफिस का यानी स्टूडियो का एसी अभी तक चल रहा है, सो वी ट्राइंग टू मैनेज दैट इज़ वेल. लेकिन आपको बताते चलें कि वाइल आई हैड सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, मुझे लगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पढ़ी. मेरे घर में एक कॉफ सिरप आया जिसके पीछे लिखा हुआ था ये क्या चीज़ हम इसमें डालते हैं, इससे भी ज़्यादा अहम है कि क्या चीज़ हम इसमें नहीं डालते. एंड दैट इज़ सच अ ब्रिलियंट थॉट. हम अक्सर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मुख्तलिफ टोटके आजमा रहे होते हैं, किसी चीज़ की अफादियत का पता कर रहे होते हैं कि जी सेब खा लें, गंदम खा लें, दूध के ये फ़ायदे हैं, फलाने फ्रूट के ये फ़ायदे हैं. हम ये भूल जाते हैं कि जो हम अपने अंदर डालने से गुरेज करें वो भी बड़ा अहम है. मिसाल के तौर पे द नेगेटिव थॉट्स, मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ की ज़्यादती, तो ये सब चीज़ें जो हमारी फीड का हिस्सा बन जाती हैं. और अक्सर वो लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं कि जो चीज़ें आपकी नज़र से गुजर रही हैं वो आप यकीन मानिए कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर क्रिएट कर रही हैं. या तो आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी चाह में लग रहे हैं, या आप उससे रश खा रहे हैं, या आप हसद या जलन महसूस कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट लेके आएंगी. आज एक बड़ी अच्छी सेइंग मैंने एक और सुनी बल्कि पढ़ी, उसमें था कि सोशल मीडिया ने ज़िंदगी गुजारने के फ़न को एक परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया. ऐसा लगता है कि वाकई जो शेक्सपियर ने इतने साल पहले कहा था कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स, तो हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक कैरेक्टर इमेजिन करके चल रहे हैं और उसी तरह उसको निभाने की कोशिश करते हैं कि जी अगर लोग मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं तो मैं इंटेलिजेंट चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करूं, अगर कोई मेरे यू नो लुक से या मेरी अट्रैक्शन से या मेरी ड्रेसिंग सेंस से इम्प्रेस होता है तो मैं बड़ा स्टाइलिश कॉन्टेंट बनाऊँ. ये अपने आप में हमें एक डब्बे में बंद कर रहा है. And that is what we need to be all the time. So don't be in that dabba. Try to learn something new and do something that brings you joy. अच्छा जी आगे चलते हैं प्रोग्राम में. आपको बताते चलें कि हाँ जी अब आ गया हमारा कैमरा. आपको बताते चलें कि आज एक ऐसी एनिवर्सरी है जिस पर किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए. आप अक्सर सोचते होंगे कि कोविड 19 का नाम कोविड 19 क्यों है, हालांकि इस साल यानी 2020 की जनवरी से इसने तबाहकारियाँ शुरू की. ये दर हकीकत सच नहीं है. आज वो दिन है जी जो तकरीबन पूरे एक साल पहले पहला पेशेंट कोरोना का जिसमें कोरोना की तशखीस हुई थी वो आज ही के रोज थी. और एक साल के अंदर अंदर हम देखते हैं कि तकरीबन 13-14 लाख लोगों को पूरी दुनिया में इसने लुकमायाजल का शिकार बनाया है. और ये बड़ा तबाहकारियों से भरपूर साल तो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी एनिवर्सरी है जो हमें अपने जहनों में याद रखनी चाहिए कि हमें अभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना. आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, उनकी तमाम कैबिनेट ने, जितने डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हम जानते हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये दूसरी लहर ज़्यादा शक्ति. जनाब आपने देखा कि ये सूरत हाल है, लेकिन इसी में खुशी की एक लहर ये कि हमने कोशिश कर PSL अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ाइनल कराची में हुआ. और मैं सोच रही थी कि अगर कोरोना ना होता और इस वक्त नेशनल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होता और कराची किंग्स जीत जाता तो इस वक्त जश्न का समा ही अलग था. लेकिन जी पूरा दिन हमने ज़बरदस्त मीम्स से, यानी मेरी आवाज़ नहीं थी फिर भी मुझे लग रहा था कि इतनी ज़बरदस्त मीम्स आ रही हैं. कोई कह रहा था पुलाव वर्सेस बिरयानी का मुकाबला है, कोई कह रहा था जी हाँ वर्सेस हाँ जी का मुकाबला है, लेकिन मुकाबला था बड़ा शानदार. फिर जनाब राना फवाद साहब की भी बहुत सारी मीम्स बनी, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी लाहौर कलंदर्स की, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर रायगा गई क्योंकि कराची किंग्स ने 5 विकेट से ये फाइनल जीत लिया और PSL की ट्रॉफी अपने नाम की. तो आइए दिखाते हैं इस शानदार जीत पे एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक द शो फॉरवर्ड. जनाब यानी कराची किंग्स के लिए 5 का हिंसा बहुत ही लकी साबित हुआ. सबसे पहले जी ये PSL 5 था जो उन्होंने 5 विकेट से जीता और साथ ही
$5,00,000 का इनाम अपने नाम किया। बड़े अहम रहा है जी ये साल। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अली जफर का जो तराना था PSL के लिए वो भी शायद कराची किंग्स को बहुत रास आ गया। खुशी देखने वाली थी जी इन तमाम टीम को सपोर्ट करने वाले लोगों की, खुसूसन कराची किंग्स के जो फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो हम जानते हैं कि एक बड़े नेटवर्क से भी उनका ताल्लुक है, तो बड़े ज़्यादा जोशीले अंदाज में वहाँ पहुँचे थे इसको सपोर्ट करने के लिए। बट कंग्रेचुलेशंस टू कराची किंग्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू PSL जो कि पूरी दुनिया में अपने आप की एक धाक बना चुका है, एक ब्रांड नेम है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन बड़ी दिलचस्पी से इस फिनाले का इंतज़ार कर रहे थे। और जी हम मुतासरीन PSL में से थे क्योंकि ना सिर्फ नज़ला हुआ हुआ था बल्कि इट इज़ राइट बिहाइंड द नेशनल स्टेडियम, तो अपने आप पूछे जी हमें तो फाइनल का इसलिए इंतज़ार था ताकि आमदोरफ़्त में ज़रा आसानी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और आसानियों की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का बेसिकली बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट कर दी है जिसके ज़रिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा जी सेनेट में भी खुफिया बैलेटिंग के बजाय हाथ उठाकर अपने आप को बिल्कुल वाजे करके कि कौन किस चीज़ के लिए वोट दे रहा है और हामी भर रहा है, इसके लिए भी तरमीम का फैसला किया गया। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब अली, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं एक और पाकिस्तानी ब्रांड की दैट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और अब पाकिस्तानी फैशन खास तौर पर लाइफ स्टाइल फैशन की दुनिया में दे मच रिकग्नाइज। पूरे पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं एंड यू नो इट कुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर फैशन एज वेल एज एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए, आपने खैर थोड़ा सा रिवील तो देख ही लिया होगा, द ब्यूटीफुल विंटर कलेक्शन इज डिस्प्लेड ऑन माई सेट टूडे एज वेल, हम बात कर रहे हैं स्टाइलो की और मेरे साथ मौजूद हैं इसके मार्केटिंग मैनेजर जनाब फराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड विंटर कलेक्शन दैट इज इन द स्टोर्स राइट नाउ। बट फराज टेल मी समथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल लुक परहैप्स, जो लोग मेरी तरह इग्नोरेंट हैं वो समझते हैं स्टाइलो इज ऑल अबाउट शूज, but it's happy to know, you know, I'm very happy to know that you've actually diversified and it's a one stop solution to a lot of needs. ye journey kaisi rahi aap logon ki? So we started off in the 1970s. okay. Us waqt we were a shoe brand, khas taur pe fancy aur jo bridal shoes hote hain, wedding shoes, unke liye hum jaane jaate the. Hamari pehli shop jo hai wo Anar Kali mein thi, which is a famous bazaar in Lahore specially for the wedding shopping and all. तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इवॉल्व करते करते वी हैव एक्सपेंडेड टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और हमने जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो हमने मज़ीद कैटेगरीज जो हैं वो हम बीच में इंट्रोड्यूस करवाते रहे। बैग्स हैं हमारे पास, ज्वेलरीज हैं, स्टाइलो प्रेट है, स्टाइलो किड्स की एक बड़ी वाइड कलेक्शन है हमारे पास, और मज़ीद कैटेगरीज भी जो हैं वो हम बनाऊँ। और कुछ इंसाइट्स या कुछ चीज़ें जो हम आम तौर पे सुनते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आपके पास एक वेडिंग की बड़ी कलेक्शन है, मुझे बताएं आजकल की ब्राइड साल 2020 में और आपकी जब तक जर्नी रही है स्टाइलों के साथ, कॉमनली एवरेज कितनी हील पहनना पसंद करती है लड़कियां, क्योंकि इतना भारी जोड़ा होता है, फिर इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमल दखल इस बात का भी होता है कि ग्रूम की हाइट क्या है, लेकिन एवरेज वो कितनी हील पहनना पसंद करती है? तो ग्रूम की हाइट प्लस ब्राइड की हाइट हरसेल्फ उसकी हाइट भी मैटर करती है। ज्यादातर तो लोग आई थिंक कम्फर्टेबल आजकल शूज पहनना चाहते हैं, एक न्यू ट्रेंड ये है कि जितना ज्यादा कम्फर्टेबल शू होगा उतना ज्यादा वो उसको पसंद करते हैं। तो आई थिंक 4 इंच की हील इज आइडियल। 4 इंचेस की हील, आप सुन लें जी, कहा जा रहा है कि ये कंफर्टेबल होती है, तो मेरे जैसे जो लोग जो किटन हील्स पे गुजारा कर रहे हैं या जिनको लगता है 3-4 इंच की हील बहुत लंबी है, हमें तो शर्म आनी चाहिए, लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल है ये। लेकिन व्हाई आई एम गेटिंग इनटू दिस फराज इज बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड गिविंग कॉन्फिडेंस टू गर्ल्स, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल वुमेन हो, या इवन इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बिग डे। फराज जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टाइलो का मानना है गर्ल्स स्टैंड टॉल, मुझे बताइएगा व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस वेरी पावरफुल स्लोगन? सो बेसिकली हम जो है वो सिर्फ एक ऐसा ब्रांड नहीं जो शूज प्रोवाइड करते हैं, हम वी वांट टू बी अ पर्पस ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जो कि ख़वातीन के लिए जो है वो स्टैंड ले और उनकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर उनकी उनको हेल्प आउट करे, प्लस
उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे. सो अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल वी डिड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन एज वेल, जिसमें हमने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया. आपको पता होगा कि कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर जो है, वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी वन इन नाइन वुमेन हैज़ ब्रेस्ट कैंसर. तो उससे रिलेटेड भी हमने अवेयरनेस कैंपेन की. तो हम इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो हम एक शू ब्रांड के तौर पे या एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पे ना जाने जाएं, बल्कि एक ऐसे ब्रांड के तौर पे जाने जाएं जो कि लेडीज़ को एम्पावर करता है. सो हम अपने ऑफिस में भी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं विमेन को, लेडीज़ को, एक्स आउट ऑफ द वे जाकर भी जो है उनको फैसिलिटेट किया जाता है. तो that is what we stand for and that is what we. अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको, जैसे ही हम स्कूल लाइफ से निकलते हैं तो कॉलेज लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में लड़कियां आम तौर पर जूतों के बारे में बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं. रीजन बीइंग के सारी जिंदगी स्कूल में ब्लैक एंड वाइट शूज, पीटी डे, नॉन पीटी डे करते गुजरा होता है. तो आई थिंक कॉलेज में जैसे ये फ्रीडम मिलती है कि यस यू कैन वेयर एनीथिंग, तो स्टाइल विद कम्फर्ट, जो कि स्टाइलो भी कहता है, आई थिंक दैट बिकम्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. तो आई सी अ लॉट ऑफ कम्फर्टेबल शूज, यानी आई सी स्नीकर्स आ गए, क्योंकि जो लोग कॉलेज लाइफ में, उनको पता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में लंबी लंबी वॉक होती है. आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या कॉमन ट्रेंड्स हैं वो जरूर बताइए. स्टूडेंट्स में आमतौर पे जो दो टाइप्स के विंटर शूज ज़्यादा पहने जाते हैं, एक तो स्नीकर्स हैं और दूसरे पंप्स हैं, बिकॉज फ्लैट होते हैं और अंदर से कंफर्टेबल होते हैं. सो दैट इज़ ये दो जो है वो प्रेफर्ड चॉइस होती है यंग गर्ल्स की. प्लस इनसाइट ये भी है कि रादर देन वेयरिंग हील्स, दे लाइक टू वेयर कंफर्टेबल फ्लैट शूज. तो ये दो कैटेगरीज हैं जो कि ज़्यादा खरीदती हैं. अरे वैसे अम्मियों की शॉपिंग करना सबसे मुश्किल है, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जो शू पसंद आ रहा होता है वो फिर कहते हैं कितना कंफर्टेबल नहीं है. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन बीइंग वेरी हैप्पी. आई मीन जो सीनियर सिटीजंस हैं या 50 एंड अबव की जो हमारे यहाँ लोग हैं, खवातीन हैं, बड़ा पसंद करती हैं, कंफर्टेबल भी कहती हैं और स्टाइलिश भी होते हैं. कहते हैं ना वो एक सोब्राइटी भी होती है. तो इनके लिए आप लोग कोई स्पेशल रेंज निकालते हैं? बिल्कुल, हमारे पास एक स्पेशल रेंज है विच इज पैडेड फ्रॉम द इनसाइड. उसके अंदर जो है वो पैड्स लगे हुए हैं और वो एक ऐसी रेंज है, कंफर्ट रेंज है, जिसको जो 50 प्लस की ख्वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. और इसके अलावा हमने मज़ीद पिछले कोई एक दो सालों में अपने शूज़ पर काफ़ी काम किया और उनको मज़ीद कंफर्टेबल बनाने के लिए भी जो है वो हमने उसके अंदर मज़ीद हमने कुछ थोड़ी सी इनोवेशन हम लेकर आए हैं, स्पेशली सोल्स के अंदर और हील्स के साइज़ के अंदर, हील्स के डिफरेंट टाइप्स के अंदर. जो मुझे बड़ा क्यूट लगता है, जो 50 एंड अबव, बल्कि 60 एंड अबव की जो खवातीन होती हैं वो ज़रा सर्दियों में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि हवा ना लग जाए, तो जो भी जूता होता है उसके अंदर मुझे भी पहन लेती हैं. तो इतनी गुंजाइश आपने रखी होगी शायद. बिल्कुल, हमने वार्म स्लीपर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं और हमारी काफ़ी अच्छी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी रहा है हमारा. सो वो एक स्पेसिफिक घर में पहनने के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी विंटर की कलेक्शन. अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी बात आपने की है. आई वांट टू टेल दिस टू माय व्यूअर्स कि जब हम बाहर कोई घर में कोई तकरीब है, कोई शादी होने वाली है, इतने फराज इम्पोर्टेंट ओकेजन के लिए मैचिंग करके बाजारों के चक्कर लगा के हम बेहतरीन जूता लेते हैं, लेकिन वो आप पहनते हैं चंद घंटों के लिए या एक किसी खास दिन पर. जो आपके रोज़मर्रा के जूते होते हैं उनका भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे घर पे. हमें लगता है कि घर के जूते किसने देखने, तो उस वक्त आप सबसे फजूल वाली चप्पल लेते हैं. बट यू स्पेंडिंग सो मच टाइम इन इट. आपका कंफर्ट भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी यू नो पैर की साख के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव कम्फर्टेबल शूज. इस पर क्या कहेंगे फराज आप? बिल्कुल, डेफिनेटली खास तौर पर जो ज़्यादा उम्र की खवातीन हैं उनको स्पेसिफिकली जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो हमने जो कंफर्ट रेंज जो इंट्रोड्यूस कराई थी उसका स्पेसिफिकली मकसद यही था कि जो है वो जॉइंट्स के ऊपर और नीज़ के ऊपर जो है ना, नीज़ जो है वो दे डोंट टेक दैट मच टोल व्हेन यू आर वेयरिंग दोज पैडेड शूज़. तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने की स्पेसिफिक रीज़न ही ये थी और उसकी जो हमारी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस थी वो भी सीनियर सिटीजन. बिल्कुल. अच्छा जी, एक और चीज, बचपन की यादें जरा ताज़ा करते हैं. अम्मी अब्बू आपको बचपन में जब शॉपिंग पे लेके जाते थे तो एक साइज थोड़ा बड़ा लेके देते थे, क्योंकि बच्चों ने बढ़ना होता है जी. वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगले साल भी काम आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर जूता अच्छा हो, स्टाइलो का हो और टूटे ना, तो वो छोटे बहन या भाई के भी काम आ जाएगा. अभी भी ये ट्रेंड्स चल रहे हैं जी? आई थिंक पेरेंट्स डेफिनेटली, क्योंकि जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं स्पेशली 2-3-4 ईयर ओल्ड, तो उनका तो 2-3 महीना हो जाता है. सो मेरा खुद एक 2 साल का बच्चा है, तो हम जब ले रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि थोड़ा सा बड़ा एक आधा साइज ले लिया जाए,
तो वो पूरा सीजन एटलीस्ट निकल जाता है। बेटा ये तुम्हारे पैर में बड़ा थोड़ी, ये तो कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं, दो मोजे पहन लो इसके साथ। आजकल तो वैसे ही सर्दी है तो चांदी चांदी है। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि स्टाइल टिप, बिकॉज स्टाइलो की इंटीग्रेशन है और स्टाइलो हमारे साथ है, तो आपको बताते चले, गर्ल्स आप बहुत अच्छा जूता लेते हैं लेकिन उसके साथ अपना सिर्फ मनपसंद बैग ना ले लें। एक स्टाइल टिप ये है कि आपके कपड़ों के साथ जिस तरह आप अगर जूता या तो मैचिंग ले रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट में ले रहे हैं, आपका बैग और आपके जूते हमेशा मैच करने चाहिए। अगर आपने ब्राउन जूते पहने हैं तो साथ में ब्लैक बैग ना लें, दिस इज अ बेसिक्स, राइट? तो इस तरह की स्टाइलिंग टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अच्छी बात यह है कि आपके तमाम जूतों के साथ मैचिंग बैग्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल, वी आर वन स्टॉप शॉपिंग सॉल्यूशन। एक दफा आप स्टाइलो में चले जाएं तो आपको हेड टू टो हर चीज मिल जाएगी, मैचिंग शूज के साथ जो है वो आपको मैचिंग बैग्स भी मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये एक खासियत है स्टाइलो की। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फराज फॉर बीइंग हियर। और एक दफा फिर जी जरा दिखाएं मेरे व्यूअर्स को खूबसूरत विंटर कलेक्शन व्हिच इज नाउ इन ऑल द स्टोर्स, 150 प्लस आउटलेट्स हैं जी पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप कहीं पे भी हैं, और ऑनलाइन भी मौजूद है बाय द वे। अगर आपको इतने जूते का नंबर सही पता है तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, किसी और को यू नो प्रेजेंट भी दे सकते हैं। दिस मेक्स फॉर अ ग्रेट गिफ्ट, और खासतौर पर आजकल आप कोविड में क्योंकि परेशान होते हैं कि आप बाहर जाके कैसे खरीदारी करें, तो यू कैन विजिट इट ऑनलाइन। इंस्टाग्राम पे भी तमाम आप डिजाइन देख सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से करा रही हूँ। हम आमतौर पर ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी नहीं करते, बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको भी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी लेडी वार्डन जिन्होंने ना सिर्फ ये फराइज और पाकिस्तान में जो ट्रैफिक के नज़्म व ज़ब्त को बेहतर करने का बीड़ा है वो उठाया हुआ है, बल्कि रिसेंटली शी हैज़ बिन सेलेक्टेड टू रिप्रजेंट पाकिस्तान इन सूडान। ये क्या कहानी है, आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं सलमा अब्दुल गनी से। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। हमारे जवान पुलिसमैन और ऑफ कोर्स ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स अक्सर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटरनेशनली। आपको भी सिलेक्ट किया गया है यूएन मिशन के लिए और आपकी रवानगी बहुत जल्द है सूडान के लिए। सबसे पहले हमारे नाजरीन को इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपसे जरा गुफ्तगू भी करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। अली, आपने देखा कि पाकिस्तान पुलिस 9 साल के अरसे के बाद यूएन मिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। 361 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है एंड ऑफ कोर्स सलमा भी सेलेक्ट हुई है। मुझे बताया गया है कि शी इज ऑलरेडी इन सूडान। अच्छा जी सलमा, सबसे पहले तो बिकॉज ये बड़ा टीडियस प्रोसेस लगता है, 9 साल के बाद पाकिस्तान पुलिस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन आपकी सिलेक्शन का और इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे अमल से आप कैसे गुजरी, कैसे सिलेक्शन हुई आपकी? बहुत शुक्रिया सादिया। सबसे पहले तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है जिसमें जो है ना हर पुलिस ऑफिसर जो कि यूएन मिशन पे आना चाहता है वो गुजरता है। सबसे पहले तो आपको अपने ही जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है, उसके बाद फिर सूबाई लेवल पर कंपटीशन होता है, और जब सूबाई लेवल पर कंपटीशन होता है उसमें नॉकआउट सिस्टम होता है। आपने अगर एक पेपर दिया है, आप उसमें पास हुए हैं तो आप नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद लिस्टिंग का होता है, उसके बाद ड्राइविंग होता है, फिर फायरिंग होती है, ये सारे टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं, देन आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान लेवल पर कम्पीट करने के। फिर पाकिस्तान लेवल पर जब आपका कंडक्ट होता है एग्जाम, उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, हर इंसान बहुत सी काबिलियत रखता है, और काबिलियत के साथ साथ मैं समझती हूँ इसमें माँ बाप, बहन भाइयों की, फैमिली की दुआएं और आपकी लक और अल्लाह का करम भी शामिल होता है। बेशक बेशक। तो पाकिस्तान लेवल पर भी इसी तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि यूएन की अपनी टीम आती है एग्जाम लेने के लिए, उसमें पाकिस्तान का कोई भी एग्जामिनर शामिल नहीं होता। बाहर से जो टीम आती है यूएन की, वो ही एग्जाम कंडक्ट करती है, वो ही पेपर चेक करते हैं, वो ही सारा जो है वो सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जब आए लास्ट ईयर सितंबर में, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था 14 डेज का, जिसमें से हमें गुजारा गया।
पहले रिटर्न, उसके बाद लिस्टिंग, फिर अच्छा सर बहुत बहुत मुबारक हो, ये पूरा ही ट्रांसपेरेंट और काफ़ी टीडियस प्रोसेस था और आप अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सुरखरू हुई। लेकिन सर मुझे ये भी बताइएगा कि इंसान जब कॉम्पिटिशन्स में होता है तब तो एक लगन होती है कि आखिरी हदफ तक पहुँचना है। जब आपका सिलेक्शन हो गया और आपको पता चला कि आपकी पोस्टिंग सूडान में होगी, आई एम ऑल्सो टोल्ड कि यू आर अ मदर, आपके दो छोटे बच्चे भी हैं, तब एकदम फिर क्या रियलाइजेशन थी? जाने की एक्साइटमेंट ज्यादा थी या दिल में इस बात की ख्वाहिश भी थी कि बच्चे यहाँ पे होंगे आप वहाँ, तो ये दूरी आपको सता तो नहीं रही थी एकदम? बिल्कुल ये दोनों बातें थी सारिया, बिल्कुल आपको पता है इंसान अपने बच्चों के साथ एक नेचुरल अटैचमेंट होती है जी। तो मेरा बेटा जो भी बहुत छोटा है उसकी भी मुझे फिक्र थी कि वो कैसे रहेगा, कैसे एडजस्ट होगा, तो वो भी थी, एक एक्साइटमेंट भी थी जाने की कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करने जा रही हूँ, एक एज एम्बेसडर जा रही हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो मैंने अपने आप को बड़ा हौसला भी दिया और सब ऑफिसर्स जितने हमारे साथ आए सब इस प्रोसेस के साथ ही आए हैं जी जी। अच्छा वहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग सूडान में हुई है, आपके इर्द गिर्द जो आपके कॉलीग्स हैं वो दुनिया के किन किन ममालिक से वहाँ पे पहुंचे? यहाँ पे तकरीबन जो हमारे कॉन्टिजेंट के साथ लोग आए हैं उसमें रवांडा से हमारा एक पुलिस ऑफिसर आया है, एक ताजिकिस्तान से आया है, एक साउथ अफ्रीका से आया है और 27 लोग जो हैं वो हम पाकिस्तान से आए। ओ जबरदस्त। मुझे ये भी बताइएगा सलमा के जाने से पहले आपने सूडान के बारे में क्या मालूमात हासिल की, क्या जाना, और जो जब वहाँ पे पहुंची तो मालूमात के बरक्स पाया उसको या बिल्कुल वैसा ही पाया? कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम पाई और कुछ डिफरेंट पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें गाइड किया गया। पाकिस्तान में भी जो लोग पहले करके गए हुए थे मिशन यहाँ पे 2009 में 2005 में, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, हमें बताया कि यहाँ पे मौसम जो है वो गर्म होता है रात को। और लोगों को कैसा पाया आपने और आपकी ट्रेनिंग इस वक्त किस हवाले से हो रही है? ओके, लोग माशाल्लाह से यहाँ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हैं। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा हो जाते हैं कि इट्स योर मिस्टेक तो वो सॉरी और उसके बाद ये कि ट्रेनिंग जो हमारी हो रही है वो डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाती है हर चीज के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। यहाँ शरीयत जो है मुकम्मल तौर पर लागू है, उसके बारे में हमें सारा ब्रीफ किया गया। फिर यहाँ पे कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं हर एक के लिए, जब तक आप वो कोर्सेज नहीं करते तब तक आप ग्लोबल चेक इन नहीं कर सकते। सही, आप ग्लोबल नहीं करेंगे तो आप पे रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक दफा फिर आपके तवस्सुत से हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे जवान, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे इंस्पेक्टर्स, हमारे फौजी जवान, हमारा हाईएस्ट नंबर है यूएन के दुनिया भर के पीस कीपिंग मिशन में। एंड दीज आर नॉट यू नो यूजुअल या रेगुलर टेरिटरीज नहीं है ये। यहाँ पे काम करना, यहाँ पे ट्रेन होना, यहाँ के हालात को संभालना कोई आसान काम नहीं है। तो सलमा हमें आप पर और हमारे पूरे पाकिस्तानी कंटिंजेंट पे फख्र है कि आप मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि डॉक्टर यास्मीन ने अभी हाल ही कहा, आपने भी देखा होगा कोरोना में पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल रही और ट्रैफिक का निज़ाम तो जी कराची हो या लाहौर दरम भरम ही रहता है, तो हमारे यहाँ के लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करने के लिए इतने ढिटाई से क्यों हर वक्त रहते हैं, ये जरा बताइए और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बारे में? क्योंकि हमारे मुल्क में लोग ये समझते हैं कि हरी 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 पहले टाइम की एडजस्टमेंट नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो जल्दी का सामना करना पड़ता है। वो जल्दी का सामना करते हैं तो समझते हैं कि हर रूल को ब्रेक कर दो, हर रेगुलेशन को ब्रेक कर दो, बस आप जल्दी से अपने जो है ना वो टाइम ऑफ टारगेट पे पहुंच जाए या प्लेस ऑफ टारगेट पे पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन एंड योर असाइनमेंट और आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जल्दी से अपना काम खत्म करके वतन वापस लौटे। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है लेकिन आपको एक जबरदस्त ऑफर के बारे में बताऊं। जाज आपके लिए लेके आया एक सुपर ऑफर जिसका नाम है जी मिलाओ खाओ बताओ, यानी एक छोटा सा कोड अगर आप एंटर करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड मील्स मिल सकते हैं आपके फेवरेट
मैकडॉनल्ड्स पे, इसके अलावा इंटरनेट की जीबीस फ्री मिल सकते हैं और टॉक टाइम भी। इसकी मजीद तफसीलात ये है कि जी *631# आप डायल करें, आपको 1 GB डेटा मिलेगा, 100 जैज मिनट्स मिलेंगे और सिर्फ 35 रुपए में मैकडॉनल्ड्स के जबरदस्त डिस्काउंटेड मील्स मिलेंगे। तो आई थिंक इसको जरूर अवेल कीजिए, खुद भी खाइए, दूसरों को बताइए एंड एंजॉय योरसेल्फ। एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज के शो में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई विश कि मेरी आवाज़ ज़रा सही होती तो आपको अच्छे अंदाज में बताती, बट आई होप आई एम लेजिबल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आई एम ओनली हेयर फॉर यू। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आज सुबह लिहाफ से ना निकला जाए और सिर्फ कॉफ़ी और सूप पिया जाए, लेकिन आई थॉट कि आई मस्ट कम एंड टॉक टू यू। मेरे बड़े अच्छे गेस्ट जिनके साथ हमने ये कल शो प्लान किया था गुजरे हुए कल में, लेकिन दे हैव ऑल बीन काइंड इनफ टू मेक टाइम टुडे एंड बी हेयर। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ, हमारे साथ मौजूद है जी आयशा बेला मलिक। आप अक्सर इनसे मुलाकात करते हैं, मेरे शो में सीईओ हैं जी प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की, थैंक यू वेरी मच। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं, मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा वेलनेस फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर साद अहमद खान, थैंक यू डॉक्टर साद। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। आज आप लोगों की किस्मत अच्छी, मैं कम बोलूंगी आप ज्यादा बोलेंगे, लेकिन टॉपिक का बता दूं नाज़रीन को जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का सब्जेक्ट, बिकॉज एक दफा फिर जब हम कोविड की लहर देख रहे हैं और पहले भी जब फर्स्ट वेव आई थी तो होम स्कूलिंग के बारे में बात होने लगी कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप घर ही में उनको तालीम दें, चाहे वो बेशक एक थोड़े अरसे के लिए हो। आज हम इसको डिबेट करना चाहेंगे कि क्या होम स्कूलिंग किसी तरह से भी एक कामयाब मॉडल हो सकती है या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद यू आयशा, आपके ख्याल में मेरिट्स क्या हैं अगर बच्चे को घर में तरबियत और पढ़ाई कराई जा रही है? एक तो सबसे पहले एक्सेलेंट टॉपिक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉपिक। सी व्हेन यू टॉक अबाउट दैट टू डिफरेंट बाय फोकसेस ऑफ दिस वन थिंग, डू वी वांट इट ओनली फॉर कोविड और वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग। देर आर पीपल and people in America, they keep their children for homeschooling, because school ke andar bhi bahut sare aise problems hain jo hum aam taur pe bhi discuss karte rehte hain. Pehle hi ye debate chal raha tha ki ji homeschooling or physically the child should go in the school, and when COVID came there's you know this bar have set that set up because of this ailment. इस बीमारी की वजह से एक हमें हमने पूरे एज अ नेशन एज अ यूनिवर्स एज यू नो पूरी दुनिया ने सोचा कि सिक्योरिटी और दी एजुकेशन, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जाहिर है जिंदगी बचेगी तो पढ़ेंगे, तो स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। नाउ द सेकंड थिंग व्हेन आई लिसन टू एवरीबडी दे आर टॉकिंग द पेरेंट्स एंड आई केप्ट बाय द वे माय किड्स फॉर होम स्कूलिंग एंड दे आल्सो कीप ऑन सेइंग कि यू आर अ वेरी। कितने सालों तक बच्चों को घर में पढ़ाया? नहीं, अभी सिर्फ कोविड से, अदरवाइज दे वर। अच्छा, मैं इसको कोविड के तनाजुर के अलावा भी साथ, जैसे अगर हम अपने सिस्टम में देखें तो इन्होंने अमेरिका की एग्जाम्पल बिल्कुल सही दी कि 3% लोग स्कूल या हाई स्कूल भेजने के बजाय वही करिकुलम बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर आपका एक ऑनलाइन ग्रेडिंग सिस्टम होता है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, अगर आप पढ़ने की जस्तजू लगते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आज भी हमारे जितने बोर्ड्स हैं उसमें बच्चे प्राइवेटली भी अपेयर करते हैं, इवन ओ लेवल्स ए लेवल्स की। तो एक जो जहन में मॉडल आता है, आई एम श्योर दैट दे हैव अ ट्यूटर, लेकिन ये भी होम स्कूलिंग की ही एक किस्म बन गई। क्या कहेंगे आप? आई वुड स्टार्ट विद सेइंग दैट it would almost felt like we were pushed into it rather than out of a choice, and once we are already there, people are now trying to think how can we do it better, like we really don't have a choice because now we're in the second wave already. So a lot of responsibility falls on the parents and the teachers, how they are viewing the whole curriculum, how are they viewing how we can transmit this knowledge in an interesting way for the children that they can stay interested and keep that same level of enthusiasm and interaction. I would also say something, Sidra, that is depending on what age the child is, right? The younger the child is, the child needs a lot of more movement, a lot of more energy, and he or she needs to sit in front of the screen. Doing all that interaction is little difficult. I am sure a lot of parents have been idea on ki ji screen time. Abhi to school 6 mahine ke baad khule the. Right. Aur sabne hi yakeen dilaya ki tamam SOPs follow kar rahe hain. Yeah. Unfortunately, you have a second wave coming. Right. Sabse badhkar ye hai ki bachche
खुद तो हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इससे इफेक्ट ना हो, लेकिन दे कैन बी कैरियर्स. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना सिर्फ घर में आपके बुजुर्ग भी हैं, नाना नानी दादा दादी, तो कई लोगों के लिए कई कंसर्न्स हैं. आप कैसे देख रहे हैं और मुझे बताइएगा कि एकेडमिक्स क्या सोच रहे हैं और पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त. थैंक यू सुंदर. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है. थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ बात हो रही है, बट होलिस्टिकली अगर हम देखें तो मुझे एक बात याद आ रही है कि आइंस्टाइन वंस स्टेटेड, I never teach my pupils. I only attempt to provide them with an environment in which they can learn. तो मैं आपको बताऊं कि when we are talking about the home schooling और एक holistic approach के साथ बात की जाए, तो COVID-19 की अगर आप बात करें, तो as an alternative to the जो आपकी contemporary schooling है, अगर आप वक्ती तौर पे for 6 months, for 4 months इसको opt करें, तो वो तो बात समझ में आती है. सही. But as an educator myself, अगर मैं इस वक्त बैठ के बात करूं कि होम स्कूलिंग इज बेटर देन द कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग, जो नॉर्मल स्कूलिंग है, तो ये नोशन थोड़ा सा गलत हो जाएगा. इक्वेशन जो है वो मैच नहीं करेगी. आई वुड लाइक टू ऐड व्हाई, क्योंकि देखें दुनिया में इस वक्त जितने करिकुलम्स बनाए गए हैं, चाहे आप फिनिश एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आईबी सिस्टम की बात करें, कैम्ब्रिज पहले से मौजूद है, सब लोग जानते हैं. अगर हम होम स्कूलिंग को उसके अल्टरनेट के तौर पे देखें, तो उस नोशन को हम रिजेक्ट करते हैं कि जो इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, दे आर एडिंग वैल्यू टू द एजुकेशनल लैंडस्केप. हम बात कर रहे हैं बच्चों की ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाने की. हम आज ये कह रहे हैं अपने स्कूल्स में बैठ के कि हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो ग्लोबल सिटीजन बनने जा रहे हैं. हम उनको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, हम उनको इंटरनेशनल जो मॉडर्न यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें भेज के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं. अच्छा, अब इसके आप कंट्रास्ट में आ जाइए होम स्कूलिंग पे. होम स्कूलिंग के अंदर बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ रह के या अपने सिबलिंग्स के साथ रह के उसी एनवायरमेंट में लर्निंग करेगा, तो लर्निंग तो अपनी जगह के ऊपर होगी, लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, अच्छे और बुरे में जो वो फर्क कर सकता है कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है. आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को या तालीम को हम इस नज़र से ना देखें कि इसका जी आपको मैथ्स आ जाए, साइंस समझ आ जाए, अंग्रेजी आप बोलने लगे. स्कूल के जो दूसरे फवायद होते हैं, जैसे साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने घर के शहजादा या शहजादी हैं 2 साल की उम्र तक. आप जब जाते हैं स्कूल तो बकायदा, मुझे याद है साइकोलॉजी की किताब में लिखा है, आपको अंदाजा होता है कि दुनिया में और शहजादे शहजादियां भी हैं, क्योंकि आपको अपनी उम्र की अपनी हाइट के लोग नजर आने लगते हैं. तो हम अभी जो डिबेट हो रही है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि ठीक है जी, आप सेहत के मामले को लेके, कोविड से डर कर, फाइनेंशियल चीजों को देख के, अगर आयशा जी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो ये जो शख्सियत का निखार है ये खला नहीं रह जाएगा. बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो डेफिनेटली सही कह रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप, बिकॉज जिंदगी या स्कूलिंग दो चीज़ें आ गई हैं ना, तो देन ऑफकोर्स फॉर फ्यू मंथ्स यस, एंड आफ्टर दैट स्कूलिंग इट डिवेलप्स एंड देन कॉम्पिटिशन से हम सीखते हैं, मजीद निखरते हैं, उसका तो कोई सानी ही नहीं है. शहजादे शहजादियाँ जैसे हम बात कर रहे थे, वो डेफिनेटली होम स्कूलिंग में रहते थे, मगर वो भी इसलिए सिदरा बिकॉज उनकी जिंदगी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर द हेयर्स, दे आर द हेयर्स, तो उनको एक बड़े प्रोटेक्शन के माहौल में रखा जाता है. और बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी दे आर नॉट सेंट आउट, उनकी रीजन्स होते हैं. बट ऑफकोर्स जो जब स्कूल भेजा जाता है, बच्चा सबको देखता है, तो उनकी जो ग्रूमिंग है वो बिल्कुल और तरह से होती है. बट येस, फॉर कोविड इफ़ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, आई वुड स्ट्रांगली बिलीव कि जिन लोगों ने भेजा था, जैसे आपने कहा स्कूल शुरू हुए, 50% वर गोइंग, 50% वर सिटिंग एट होम, तब हमारे सेशंस होते थे इनसाइड द एजुकेशनल सिस्टम, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ 37 यूनिवर्सिटीज़. ये मुमकिन ही नहीं है कि घर में तालीम अच्छी ना हो सके. बस ये कि वी डोंट हैव टू रेप्लिकेट द स्कूल सिस्टम. जरूर करेंगे, क्योंकि अक्सर जो अम्मियाँ मुझसे मुलाकात कर रही हैं, कह रही हैं पता नहीं चल रहा कि ये एजुकेशन बच्चे की हो रही है या मेरी हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस भी ग्रेड में आपका बच्चा है दोबारा से सब कुछ रिवाइज करना पड़ा. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है. आपसे नहीं, ठीक ठाक नहीं लग रही, अल्लाह आपको सेहत दे. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये आपकी बात अभी आप यही कर रही थी, वही भी मैं कंटिन्यू करूंगा कि ये बच्चे, वाकई हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं घर पे रहते हुए, माहौल ये बना हुआ है. और दूसरा ये है कि वो ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स सो कूल. तो वो बात नहीं बन रही बच्चों के लिए. फिक्रमंदी जरूर है, हालात भी ऐसे हैं.
तो ये है कि अल्लाह करे कोविड कुछ कम हो तो स्कूलिंग का रेगुलर ये बच्चे शुरू हो, बहुत लंबा हो गया। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है, यानी इंसान बड़ी जल्दी अडेप्ट करता है, जैसे हम सारों ने सैनिटाइजर यूज करना, जो हम तमीजदार लोग हैं, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क पहनना, ये बच्चे जो माशाल्लाह 8 महीने बल्कि 2020 पूरा ही समझ लीजिए का ब्रेक लेके वापस स्कूल पहुंच रहे हैं, ये टीचर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात हो रही है होम स्कूलिंग की। थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि कई माएँ बड़ा प्राइड लेती, जैसे आप उनके सामने पिज्ज़ा रखे कि ये तो मैं घर में बना लेती हूँ, आप बताएं मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है उसके बाद ट्यूशन पर जाता है, अरे मैं तो उसको घर पर ही पढ़ा लेती हूँ। अब जो 6-8 महीने गुजरे हैं उनका, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती, प्लीज़ इसको वापस स्कूल में डालिए। सो आई थिंक दैट चेंज इज़ वेरी रियल। लेकिन फिर भी क्या होम स्कूलिंग मॉडल हो सकता है, और ख़ास तौर पे अब जो हम नई दुनिया देख रहे हैं जिसमें प्रॉब्ली 3 महीने चीज़ें नॉर्मल चलेंगी, 3 महीने आपको घरों में दोबारा आइसोलेशन में और अपनी आमदोरफ्त को कम करना पड़ेगा। तो नाउ परहैप्स नासिर जो हम बात कर रहे थे, इट विल बिकम साइक्लिकल। पहले आपने कहा ना कि थोड़े अरसे के लिए पॉसिबल है, आपके ख्याल में पेरेंट्स को और घर के एनवायरमेंट को अपने आप को कैसे अपग्रेड करना चाहिए कि जब वो बारी आए तो हम बच्चों को आराम से पढ़ा सकें? हाँ जी, फॉर दैट आई थिंक कि आपने कहा कि काफ़ी साइक्लिकल वे में ये चलेगा अगर, और इसी अजम्पशन पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स नीड टू एजुकेट देमसेल्फ, दे नीड टू गेट देमसेल्फ प्रिपेयर्ड मेंटली एंड देयर चिल्ड्रन एज वेल, कि बेटा ये भी हो सकता है कि अभी आप स्कूल जा रहे हैं। फिर आप इसके दरमियान में एक और चीज़ जो हम मिस कर गए वो है ऑनलाइन स्कूलिंग की। मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होम स्कूलिंग तो उसमें फिर ऑनलाइन स्कूलिंग और उसके दरमियान भी एक फिर लाइन आ रही है बीच में। तो पेरेंट्स को मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना सिर्फ मेंटली तौर पे बल्कि मदर्स का इसमें रोल ज़्यादा है कि वो जाके पीटीएम्स को अटेंड करें कि इन केस इफ अनफॉर्चुनेटली कोई दोबारा सिचुएशन आती है लॉकडाउन की तो उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग अगर आप पाकिस्तान की बात करें, सर्टेनली इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मदर्स को ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि टीचर्स और आपके बच्चे के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कौन सा करिकुलम वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, कौन सी बुक्स स्कूल में पढ़ाई जा रही है। टॉकिंग अबाउट द कोविड पीरियड ओनली, ये बड़ी ज्यादती है, आपने फादर्स को फारिग उल जिम्मा क्यों कर रहे हैं? मदर तो कह रही है भाई मैं सुबह से शाम तक लगी हुई तो हूँ, अब्बाओं को भी जरा कहे ना जो बड़े कहते हैं जी हम अपने स्कूल के जमाने में मैथ्स जीनियस से पढ़ाए अपने बच्चों को। मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करूंगा कि टीचर्स को मैं चाह रहा था कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हम थोड़ा सा क्रेडिट दे दें कि अभी जो कोविड पीरियड आया उसमें पेरेंट्स गॉट टू नो कि स्कूल में एक्चुअली होता क्या है पूरा दिन। जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहा है उसमें टीचर्स का क्या कंसंट्रेशन है, क्या रोल है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रिपेयर हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इस बात को मैं साथ के पास जाना चाहूंगी। साथ इसमें थोड़ा सा जेंडर रोल्स की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए माएँ तो बेचारी दे मेक श्योर के बच्चे का बैग पैक है, यूनिफॉर्म साफ है, बच्चे ने होमवर्क किया हुआ है, लेकिन और बाकी चीज़ों पर लोग कहते हैं नहीं जी जेंडर रोल्स, घर के आदमी आमतौर पर हमारे यहाँ किचन में काम नहीं करते, सफाई वगैरह नहीं करते। बच्चों को पढ़ाना तो काफ़ी मैनली काफ़ी कंपैशनेट चीज़ है, ऑफिस में भी सारा दिन दूसरों को समझाते बताते ही रहते हैं, क्यों नहीं कर पाते हमारे जो यू नो मर्द हज़रात हैं, जो अब्बा हुजूर हैं, वो पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों को? आई थिंक एट दिस मोमेंट इन टाइम जो आई थिंक इफ टाइमिंग की क्लैश अगर आप हटा दें जो अब तो अब्बा भी घर पे अगर अब्बा भी घर पे तो इट्स लॉट अबाउट देयर विलिंगनेस एंड देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट इन द चाइल्ड, सिंपल एज दैट। अगर आपने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में जहन में क्लैरिटी रखी हुई है, वेयर डू यू वांट योर किड टू बी, ऑफ कोर्स यू विल एंड अप एंगेजिंग विद योर किड। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैं बार बार हर जगह एम्फसाइज करता हूँ, वी नीड टू स्टॉप गिविंग टू मच फोकस ऑन द ग्रेड्स, वी नीड टू स्टार्ट लेटिंग द चाइल्ड ग्रो इन अ नेचुरल ऑर्गेनिक वे कि हमारे बच्चे की इंक्लिनेशन किस तरफ है। ये हम टोटली ये मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज ये करिकुलम इज गुड, इट्स गुड बिकॉज इट गेट्स यू द ग्रेड्स, इट गेट्स यू द प्रोग्रेस, इट गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पैरामीटर टू असेस द चाइल्ड। बॉन्डिंग भी होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल में एक अच्छा टीचर आपको हमेशा याद रहता है, उसका बताया हुआ कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है। इसी तरह अगर एक बच्चे की बॉन्डिंग अपनी मदर से या फादर से है, तो कई दफ़ा मैंने तो देखा है कि हम स्कूल में कुछ अगर पढ़ के भी आते थे नहीं समझ आता था, अम्मी जैसे समझाती थी वो एग्जांपल याद रहती है। तो आई थिंक दैट्स इट्स अ बॉन्डिंग टाइम फॉर पेरेंट्स एज वेल विद देयर चिल्ड्रन। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आबिद बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप जो गुफ्तगु कर रहे हैं ना, ये सारी आप लोग कर रहे हैं शहर के स्कूलों के मुताबिक, जो बहुत अच्छे करीम स्कूल हैं, तो ये तो जन्नत नजीर स्कूल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। नेट वगैरह जो है देहातों में तो नहीं है, देहातों में तो बच्चे मास्क या फॉर्म में जूती भी नहीं पहन के आ सकते, उनके पास तो इतने पैसे नहीं है, ना स्कूल की इमारतें इस काबिल है कि उनके साथ आप जो है मतलब अगर वो बच्चे स्कूल में जूती के बगैर आते हैं, वो मास्क कहाँ से अफोर्ड करेंगे, उनके मुतालिक बात करें जिनको अवेयरनेस देने की जरूरत है। बिल्कुल अच्छी आप बात कर रहे हैं, और तभी मैं यहाँ पे आपके तवज्जुद से हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत वक्त को सराहना चाहूंगी कि जैसे ही उन्होंने ये चैलेंज देखा, एक महीने के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है पहली जमात से लेके दसवीं जमात तक, पाकिस्तान टेलीविजन ने टेली स्कूल के नाम से एफर्ट लॉन्च की कि आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, आपके पास बेशक केबल ना हो, आप नॉर्मल एंटीना से आपको ये जिस भी गली मोहल्ले का स्कूल हो, एक अगर घर में नहीं है तो हमारे अब घर घर मोहल्ले मोहल्ले स्कूल टीवी पहुंच चुका है, सुबह 6 बजे बल्कि सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक क्लास होती है, और हर क्लास का अलग अलग करिकुलम है। आई थिंक इससे ज़्यादा एफर्ट, जब हम कहते हैं ना कि हम क्रेडिट नहीं देते, ये वो चीज़ है। मैं खुद बाकायदा TCF की गुडविल एम्बेसडर हूँ, और उन्होंने रातों रात, क्योंकि उनकी दस्तरस थी ज़्यादा अर्ली स्कूलिंग के ऊपर कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किस तरह कहानियों के जरिए, विजुअल्स के जरिए, हमारी बहुत अच्छी फनकार हैं सानिया सईद साहिबा, उन्होंने बाकायदा कहानियां रिकॉर्ड करवाई, आप कभी देखे तो सही, काम बड़ा अच्छा भी हो रहा है। आपकी बात सही है कि शायद यहाँ पे जो गुफ्तगु हो रही है वो ऑनलाइन पे, बाकी चीजों पर फोकस या शहरी बच्चों पर आपको लग रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बच्चों की सीखने में, लर्निंग में कोई रुकावट ना पड़े, तो कोविड आने के एक महीने के बाद ही पाकिस्तान में टेली स्कूलिंग का इजरा हुआ, विच आई थिंक इज फिनोमिनल, क्योंकि हम रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी है जो छोटे कमसिन बच्चों की है, और उनकी तालीम का सिलसिला, उनकी तरबियत, उनके सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। इसी अच्छे से नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन इससे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि हर साल जिस तरह एनरोलमेंट रेट, यानी अगर हम पिछले साल जितने बच्चों को स्कूल में डाला गया को कंपेयर करें इस साल में, तो परसेंटेज निकलती है कि ये एनरोलमेंट की जो रेट है वो बढ़ रहा है या नहीं, वो तकरीबन इस वक्त स्टैग्नेट कर रहा है 1% पे। इस हालात में अगर हम चलते रहे तो वो दिन जिसके आप और मैं ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल जाए, वो 2075 से पहले नहीं आने वाला, यानी 2075 में जाकर शायद आप और मैं, वो दिन अल्लाह ताला ने हयात और ज़िंदगी दी, तो देखेंगे कि बच्चे, तमाम बच्चे पाकिस्तान के स्कूल जा सकते हैं या नहीं। तो उसको बेहतर बनाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, फिर जाहिर सी बात है ये हेल्थ स्केयर्स, ये पेंडेमिक बड़ा रियल है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा उन मॉडल्स पे जो इनोवेटिव हैं, जो इस तबकाती फ़र्क को, सोच के फ़र्क को ख़त्म करें और हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन इस फ़र्क को ख़त्म ऐसे ना करें कि जो ज़रा बेहतर पढ़ रहा है उसको भी खींच के पीछे ले आएँ, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, जो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन हम किसी को अगर दे रहे हैं, तो उसको भी उसी लेवल पर रेज कर दें। That's where the debate is. लेकिन आयशा जी आप क्या कहेंगी, पेरेंट्स इस वक्त सोच रहे हैं क्या करें, शश व पंच में हैं, ये साल जैसे गुजरा है वाज़े तब्दीली लोग बच्चों की शख्सियत में देख रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, आंसर बैक कर रहे हैं, जिंदगी से डिसिप्लिन चला गया है। हमें लगता था, अच्छा एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है, अगर लोग ये समझते थे कि बच्चा स्कूल जाके बिगड़ रहा है, उनको पता चला उनका बिगड़ा शहजादा घर में रह के भी बिगड़ सकता है। आई थिंक जो आपका पॉइंट है कि वट टू डू विद दैट अनस्पेंट एनर्जी यू मेंट एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ द की फॉर एवरीबडी, फॉर द पेरेंट एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, एंड आई थिंक इफ दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन, द पेरेंट्स टू वर्क बेटर वाइल देयर लिविंग एट होम, तो आप डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि जी ये टाइम आपका स्कूल का और पढ़ने का है, और दूसरा टाइम वट आई पर्सनली डू कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे बच्चे छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के, बर्तन आप उनको साइकिलिंग शुरू कराएं, आप उनको वॉक पे भेजें, इनको एक फिजिकल एक्टिविटी, वो तो आई थिंक नहीं करेंगे घर के काम, स्विमिंग करें, दैट इज़ बेस्ट फॉर टीनेजर्स एंड इवन स्मॉलर चिल्ड्रन। अब सर्दी आ गई है तो आप, अगर आपके पास ऐसा पूल का इंतज़ाम नहीं है जो गर्म हो, तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट ये है कि आप उनको वॉक एंड साइकिलिंग, दे आर द बेस्ट थिंग्स। अब जब वो थक के आते हैं, दे हैव दैट
के दो टाइम आप उनको पढ़ाते हैं, सुबह को स्कूल होता है, ऑनलाइन भी अगर वो कर रहे हैं, या शाम को. द बेस्ट इज डिसिप्लिन इन लाइफ, द टाइमिंग. आई थिंक एज यू सेड दैट चिल्ड्रन आर इरिटेटेड बिकॉज दे डोंट, उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो नहीं कंज्यूम नहीं की है. सो आई वुड सजेस्ट इज दैट कि वो जो इरिटेशन के पीछे जो बच्चे की जो इमोशंस हैं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, स्टार्ट गिविंग सम टूल्स टू द पेरेंट्स के वो किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से ये बात पूछें कि यू नो आई कैन सी यू दैट यू नॉट फीलिंग वेल, या मैं देख सकती हूँ कि यू नो नॉट फीलिंग वेल, कैन यू टेल मी वट इज़ गोइंग ऑन. तो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं बच्चे को, तो बच्चा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड. प्लीज़ रिमेंबर, बच्चे की जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा बड़ों के एक्सप्रेशन से कम होता है बिकॉज ही इज़ इन द डेवलपिंग फेज. उसको नहीं पता कि उसको अपनी जज्बात और अपनी इमोशंस किस तरीके से एक्सप्रेस करनी है. तो अगर आप बच्चे से ओपन एंडेड सवाल करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो आई फील कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है इसमें पढ़ के, वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश टुडे. देखिए, एक बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे के अंदर कॉन्स्टेंटली एक नई वाइब ला सकती है. बिकॉज आप बच्चे को ऑटोनमस करते हैं, बच्चे को आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखाते हैं. और मेरे ख्याल से अगर हम माँ बाप को ये बात, मैं एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मदर्स बिकॉज ए ओवरवेल्म्ड, उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है. हम अक्सर घर में एक बहस मुबहसा देख रहे होते हैं जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्टिंग एंड शेमिंग व्हिच इज आल्सो हैपनिंग. तुम तो कभी नहीं पढ़ते, तुमने मेरे नाक में दम किया हुआ है, तुम्हें एक काम दिया था, फोकस क्यों नहीं होता. टीचर्स, हमने रूल्स बना दिए, ना सिर्फ जानते हैं क्लासरूम्स में कि डांट नहीं सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं हो सकती. घर में ऐसा कोई रूल नहीं है, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आई वुड अगेन से दैट थिंक इन द लॉन्ग रन. वो जो दो मिनट की जो चिड़चिड़ाहटपन है उसके पीछे आप, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑल यू हैव टू डू इज यू नो आस्क गुड क्वेश्चन टू योर चिल्ड्रन, यू नो आस्क. और उसके अंदर टीचर्स के हवाले से मैं बताऊं आपको, देयर आर फोर एलिमेंट्स जो कि टीचर्स को पता होना चाहिए. बिकॉज यू हैव टू समटाइम्स सी हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ टू उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है. आप उसको प्रैक्टिकल एलिमेंट पे रखें, लेट हिम बिजी. अच्छा, मैं आपको बताऊं, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है जी तमाम पेरेंट्स के दिल में टीचर्स के लिए. तो मैं चाहूंगी कि जहां टीचर्स बेचारे ऑनलाइन अपना स्किल्स बेहतर कर रहे हैं, एक पीटीएम या एक काउंसलिंग पेरेंट्स के साथ भी रखें, उनको भी ये स्किल्स दें. वो कहते हैं यार, हमसे अपने एक बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा, आफरीन है इन टीचर्स पे जो ये 20-30 बच्चों की क्लास को लेके चलती है. तो अगर हमें वो टीचर्स भी, ना सर आपके पास एक कॉलर के बाद आऊंगी कि जरा टिप्स दें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे टीच कर सकते हैं, मे बी टीचर्स इन कॉमन. अच्छा जी, पाकिस्तान के एक बहुत ही मायनास फनकार और हमारे बहुत अच्छे कॉलीग अयास खान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. वैसे आप जानते हैं कि ही इज ऑल्सो अ पार्ट, इनका एक अपना बिजनेस है विच इज ऑलवेज बिन फॉर डेकेड्स हैज बिन लिंक्ड टू ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स. तो एक जहन में सवाल आ रहा था, ये जितनी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है, बच्चों की नजर पर भी काफी फर्क पड़ रहा है. अयास साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जरा ऐनक के जो खरीदारी है उसमें कोई तेजी देखी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? पहले तो मैं ये जो हमारे जो आपके गेस्ट हैं, मैं उनसे बड़ा मुतमईन हूँ कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं. लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर लफ्जों में करते हैं तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल होता है. मेरे पास एज एन ऑप्टिशियन और एज ए ऑप्टोमेटिस्ट मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ज्यादातर पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेके, और वो ये कह रहे हैं कि जी इनको ग्लासेस लग गए. इवन उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन उन बच्चों को ग्लासेस लग गए और पावर्स आ गई. कुछ के बच्चों के नंबर बढ़ गए हैं, वो हाई सिलेंडर भी बढ़ गया. जब हम उनको पूछ रहे हैं तो कुछ चीजें देखें, जैसे एक नॉर्मल ब्लिंक जब करता है कोई भी बच्चा या बड़ा, तो वो 12 से 14 दफा हाई ब्लिंक करता है. तो उससे वो जो नेचुरली जो ग्लैंड सब जो लुब्रिकेट करते हैं आंखों को, वो ड्राइनेस होती है, तो वो उससे स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे. सही. बच्चे अच्छा, दूसरा इतना करीब होते हैं या स्क्रीन से करीब होते हैं, स्क्रीन आप कह रहे हैं स्क्रीन टाइम को मैनेज करना, ब्लिंक के लिए याद दिलाना एंड प्रॉपर फ्लूइड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. बहुत शुक्रिया अयास साहब फॉर दीज इंपॉर्टेंट टिप्स. ना सिर्फ वेरी क्विकली, टीचर्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को ताकि वो अपने बच्चों को फोकस करा सकें और उनकी मदद कर सकें? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से पैगाम देना चाहूंगा टीचर्स को भी, असातिज़ा को भी और पेरेंट्स को भी, कि एटलीस्ट टिल द टाइम कोविड इज प्रिवेलिंग, अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए, आप तैयार रहिए हाइब्रिड मॉडल्स के लिए.
कि बच्चे स्कूल जाएंगे भी नहीं भी जाएंगे, ऑनलाइन लर्निंग भी होगी, और अगेन मैंने आपसे कहा कि बड़ी एक थिन लाइन है कि होम स्कूलिंग खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है जब बच्चे ऑनलाइन लर्निंग कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, जब तक स्कूल्स ओपन हैं, जब तक फिजिकली क्लोजर नहीं है, तो पेरेंट्स अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं और ये समझें, जाके टीचर्स से मिलें, उनकी पीटीएस में जाके पार्टिसिपेट करें, या अलग से जैसा आपने भी जिक्र किया प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कि काउंसलिंग सेशन स्कूल अरेंज कर लें फौरी तौर पे, कि लॉकडाउन के दौरान या जिस वक्त स्कूल ऑनलाइन लर्निंग पे हो, स्ट्रॉन्गर टीम, आपने कहा कि ये साइकल्स अब चल सकते हैं जो पहले हम ट्रायंगल कहते थे, बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स को एक दूसरे के वर्सेस नहीं बल्कि दोनों का दोस्त बनना पड़ेगा। होम स्कूलिंग अनफॉर्चुनेटली विल बिकम अ रियलिटी, पहले ये एक कॉम्पोनेंट होता था या चॉइस थी, अब आपको दोनों मॉडल्स का हाइब्रिड लेके चलना पड़ेगा जैसे नासिर ने कहा। बहुत शुक्रिया नासिर, डॉक्टर साद एंड आयशा फॉर बीइंग हियर, इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर्ड। आप भी अपने कमेंट्स और फीडबैक का बताइएगा और आज खास तौर पे मेरी आवाज के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। आपसे कल मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।